सीतापुर लोकसभा सीट पर लगातार रोचक लड़ाई सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त करीब 12:25 हो चुका है और ऐसे में सीतापुर लोकसभा सीट का हाल बताने के लिए फोनलाइन में मौजूद है आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताइए कि इस वक्त जो है क्या ताजा अपडेट है मतगणना को लेकर। जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर लगातार गठबंधन प्रत्याशी की जो बढ़त है वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ती हुई जा रही है। और आपको बता दें जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उनकी बढ़त आपको बता दें कि 70,000 के आसपास हो चुकी है। अगर हम वोटों की बात करें तो कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को 12:25 तक 255,763 मत मिल चुके हैं। इसके अलावा राजेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें 1,87,181 मत, और महेंद्र सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें 42,992 मत ही मिले हैं। और अगर इस प्रकार हम अगर लीड की बात करें तो कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर की कुल बढ़त अब 68,582 हो चुकी है। प्रियांशु रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि राकेश राठौर ने फिर एक बार, जिस तरह से आपने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस की तरीके ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, वही एक बार फिर आंकड़े बढ़ गए और ये आंकड़ा हो गया है बढ़त का 69,172 का। तो बिल्कुल आपको बता दें प्रियांशु, आपने सही कहा था कि जैसे ही ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों में ही लगातार ये राकेश राठौर प्रत्याशी जो गठबंधन के हैं वो बढ़ रहे हैं और राजेश वर्मा को जो है इन्होंने फिर पीछे कर दिया। ये लगातार पीछे चल रहे थे जैसे ही एग्जिट ईवीएम खुल रही थी और उसी ईवीएम के चलते राजेश वर्मा पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भी जो है करीब ये 69,172 से पीछे है और बसपा का हाथी जो है बिल्कुल तरीके से थक चुका है। यानी कि आपको बता दें कि बसपा के प्रत्याशी जो 45,874 ही मत पाए थे। प्रियांशु बताएं फिर से आंकड़े। जी निशांत, आपको बता दें ये जो बढ़त अब 69,172 की हो चुकी है, अब इससे पहले अगर हम 10 मिनट पहले की बात करें तो ये बढ़त 71,000 से ऊपर वोटों की हो गई थी, लेकिन ये जो अगला राउंड खुला है इसमें राजेश वर्मा ने कहीं ना कहीं उस राउंड में बढ़त बनाई है। जिस हिसाब से लीड है वो अब 2,000 वोटों की कम हो गई है। और अगर हम वर्तमान की बात करें अभी की लेटेस्ट आंकड़ों की, तो ये जो राकेश राठौर है कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी, इन्हें 265,998 मत मिले हैं। वहीं राजेश वर्मा जो भाजपा प्रत्याशी है, इन्हें 196,826 मत मिला है। और महेंद्र यादव जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, इन्हें 45,874 मत मिले हैं। और अब जो लीड हो गई है राकेश राठौर की, जो कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी है, उनकी 69,172 की लीड हो गई, यानी कि 70,000 की लीड बनाने के करीब फिर से पहुंच गए हैं राकेश राठौर। निशान बिल्कुल आई इंडिया अपने दर्शकों के साथ में ये भी बताना चाहेगा कि इस बार जो है नोटा 3,032 तक पहुंच गया, यानी कि नोटा को भी जो है लोगों ने पसंद किया है और उनकी ये पसंद ये साफ दर्शाती है कि जितने भी प्रत्याशी थे वो उनके मन के नहीं थे, इसलिए 3,032 लोगों ने नोटा दबाया है। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।